रमजान का चांद देखते हैं। व्हाट हैपेंड? लुक एट रमजान। हम निकल गए हैं जी स्कूल के लिए। आज फॉर्म के टीथ जो यूनिफॉर्म को बहुत तंग कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म उनको बार बार टीथ को ना अपने छेड़ जा रहे हैं, छेड़ जा रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया इसको। हालांकि उम्र तो है नहीं टीथ टूटने की भी इसकी। कम ऑन बेबी, इज फास्ट मैन। ऐसा लग रहा है इन्होंने तो आज ही रोजा रख लिया, जबकि रोजा तो कल है। क्या चीज थी पता नहीं, फॉर्म को इतनी जोर से काटा सी। ये देखो, ये काटा, हीरा एकदम से इसको मोटा मोटा हो गया सी। पता नहीं क्या चीज आ गई इसकी घड़ी में एकदम से। ओनली लेग, सिर्फ लेग पे काटा तो यकीन नीचे कुछ था, या तो मच्छर था या कोई ऐसी चीज थी। अफाम को काट लिया था मॉस्किटो ने। हम ले आए अफाम को धूप में से, ताकि थोड़ी सी इनके ऊपर धूप पड़े ना, इनका फ्लू ठीक हो जाए। अल्लाह हाफिज़ अफाम। FS1। बारिश क्या हो गई कल दुबई में, आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मतलब कि पहला दूसरा जो रोजा है ना, वो तो लगता है मुझे ठंड में गुजरेगा मजे से। एंड का पता नहीं कुछ। मानी पडल में खड़ी की मैंने अपनी गाड़ी। वेलकम बैक टू अनदर डे। बोलना से बोल दिख रहे हैं आप इस वक्त। मैं हूँ जी सैयद नौरीन बकर। आज के भाषण में जो ना, मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ। कोई भी इंसान जिसको आपकी केयर होगी ना, वो आपको एक बार प्यार से समझाएगा, दो बार प्यार से समझाएगा, तीसरी बार वो आपको डांटेगा, चौथी बार आपको थोड़ा सा ताने वाने मारेगा वो आपको, और फिर पांचवी बार ना वो आपको आपके हाल पे छोड़ देगा अगर तब भी आप नहीं सुधरे तो। हमेशा याद रखो अपनी सेहत का ख्याल ना आपको खुद को रखना है। कोई आके आपको बोलेगा नहीं कि ये लीजिए, ये खाइए, ये मत खाइए, इससे आपकी हेल्थ खराब होगी, इससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी। ना बाबा ना, दो से चार दफा कोई भी बोलेगा, आपकी माँ भी जो होगी ना वो भी दो से चार दफा आपको बोलेगी, पांचवी दफा माँ भी बोलती जाओ दफा मर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मरने का शौक है, जाओ खड्डे में गिरोगे, अक्कल आएगी फिर खुद ही सुधरोगे। तो उस टाइम उसकी प्यार से समझ जाओ ना, तो आपके लिए फायदा है, इससे पहले कि समझने लगा दिल आपसे ना खराब हो जाए। क्योंकि फिर वो बात नहीं रहती रिश्तों में, जब दिल खराब हो जाता है फिर कोई आपको डांट के समझाए कि ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है, ये कोई आपको ताने दे के समझाए, आपका भी दिल खराब हो उससे कि यार ये तो डांटे जा रही है, ये तो ताने मारे चले जा रही है, ये तो ताने मारे चला जा रहा है। तो भाई जब उसने आपको प्यार से समझाया था, तब कौन सी आपकी समझ में आ गई, जब आपको आपको उसके ताने या उसकी बातें बुरी लग रही है। दुनिया में हजारों लोग हैं, कोई किसी की फिक्र करता है, कोई किसी की फिक्र नहीं करता। हर इंसान सिर्फ अपनों की ही फिक्र करता है, और वो भी वो अपनों की जो उसकी लाइफ में कोई अहम रोल अदा करते हैं। सिंपल बात है, दुनिया है, दुनिया चलती जाएगी। आज मैं जा रही हूँ, कल कोई और चले जाएगा, परसों कोई और चले जाएगा, चले सब ने जाना है इस दुनिया से, किसी ने यहाँ पर टिक के नहीं बैठना। तो इसलिए जी अपना ख्याल रखोगे तो दूसरों का ख्याल रखने के काबिल रहोगे ना। जब अपना ही ख्याल नहीं रखोगे तो दूसरों का ख्याल क्या खाक रखोगे। चलो आ गए अनु, अफाम कम बेबी, मेरे जो पराठा। बड़े बड़े खराटे मार रहे अफाम, जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी हो। पहले मुझे लगता था लोगों की आदत होती है खराटे लेना। आपका नाक बंद हो ना फ्लू से, किसी वजह से सांस नहीं आ रही हो, तो उसकी वजह से आपका मुंह खुलता है ऑटोमेटिकली। इंसान के अंदर की फितरत है, सोते हुए उसका मुंह खुल जाता है क्योंकि सांस नहीं आ रही होती उसकी। क्योंकि हम मरते तो नहीं है, एक लाशौरी इल्म में कहीं चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली मुंह खुल जाता है, जिसकी वजह से हमारे फिर मुंह से सांस आने लगती है। मुंह से सांस लोगे तो आवाज़ भी निकलेगी, तो वो खराटों में तब्दील हो जाता है। आ रही हो रमजान का चांद देखने? आ रहे हो? कौन? वो बाहर देखेंगे, टेरेस में से नजर आएगा अगर तुम। यस, रमजान इज कमिंग। कोई आदमी नहीं है रमजान। रमजान का चांद देखते हैं, दिखा के नहीं दिखा, तो नहीं दिखा था, आज तो लाजमी दिखेगा भाई, लाजमी। अल्लाह मदद। व्हाट हैपेंड? लुक एट रमजान। ये रमजान अंकल है क्या? कौन है? हुई थी रमजान इज नॉट वाइट कैप वाले का फॉर्म बोल रहे रमजान। ओ नहीं, वो तो टूटा हुआ तारा है, पता नहीं क्या है वो तो।
कहीं पे भी रमजान का चांद नहीं दिखा मुझे भाई। चलो खैर, दुनिया वालों, रमजान का चांद दिखे या ना दिखे, ये तो हमें कन्फर्म है कि कल जो है दुबई में है जी पहला रोजा। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमजान मुबारक, रमजान खैर आफियत के साथ गुजरे, और जो जितनी भी बीमारी है ना खासकर बच्चों की, वो सब अलामिया दूर हो जाए। मगरिब की अजान हो चुकी है, तो बस आप सबको मेरी तरफ से रमजान करीम, और अल्लाह मियां सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और सबके रमजान जो ना खैरियत के साथ गुजारे, पाक सबके रिस्क में रोजी में बरकत दे। आमीन 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 सुम्मा आमीन। लेट्स गो बेबी, कम इनसाइड। तो जी आज का करती हूं मैं यहीं पे खत्म, सुबह उठना है सहरी में, आप सबको भी सुबह सुबह उठना होगा सहरी में, तो चलिए जल्दी से जाके लाइक कर दीजिए अगर आज का दिन अच्छा लगा है, तो अगेन रमजान मुबारक, और सब्सक्राइब कीजिए जो नए देखने वाले, जो पुराने देखने वाले, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, और सब मिलकर बेल आइकन दबाओ। जल्दी जल्दी टाटा बाय बाय शुभ का दुनिया वालों, तो मैं भी जाती हूँ फिर सहर के टाइम पे, मिलेंगे हम एक और नए दिन के साथ।